Hi guys, hope you all are doing great and enjoying our videos. Well, today we are back with another amazing recipe, which is a Mediterranean dish, hummus with pita bread. तो चलिए शुरू करते हैं. The best thing about this recipe is that it is very easy to make with just a handful of ingredients. This is highly protein packed and healthy होने के साथ साथ ये बहुत ही delicious भी लगती है. एक मिक्सर जार में एक कटोरी बॉयल्ड चिकपीस या छोले ऐड करेंगे. उसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच दही के. जूस ऑफ 1 लेमन. इसके साथ ही इसमें डालेंगे 4 से 5 क्लोव्स ऑफ गार्लिक. आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, इसे आप कम ज्यादा कर सकते हो, जितना तीखा आपको पसंद है. आधी चम्मच ऑरिगैनो, थोड़ा सा सॉल्ट. अगर आपने सॉल्ट चने में भी डाला है तो यहाँ पे कम ऐड करिएगा. आधा चम्मच जीरा पाउडर एंड 2 चम्मच ऑलिव ऑयल, या फिर अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पे बटर यूज़ कर सकते हो. लास्टली हमें इसमें 2 चम्मच पानी डालना है. मैंने छोले जिसमें उबाले थे वही पानी यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ किया है. बस अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड कर लेंगे. अब इसको चेक कर लेते हैं. मेरा मिक्सचर अभी इतना स्मूथ नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इसमें और 2 चम्मच पानी ऐड किया है. इसको मिक्स करके हम इसे वापस से ग्राइंड कर लेंगे. दैट्स इट गाइस, इसको बनाना इतना ही आसान है. हमारा हमस बन के रेडी है. चलिए अब इसे एक कटोरी में सर्व कर लेते हैं. मैंने इसको इस तरह से कटोरी में सर्व करा है और इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा और ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी. और फाइनल गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे कुछ और चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगैनो. लास्टली इसे मैंने गार्निश किया है थोड़े से कोरिएंडर लीव्स या फिर पार्सले के साथ. एंड दैट्स इट, हमारा हमस बन के रेडी है. चलिए अब हम पीटा ब्रेड को बनाना शुरू करते हैं. पीटा ब्रेड की रेसिपी सिमिलर है गार्लिक ब्रेड की रेसिपी से, जैसा हमने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था. इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी मैदा और आधा कटोरी आटा. इसके बाद इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे एंड 1 स्पून के अराउंड शुगर. हमारी ब्रेड फ्लफी बने इसके लिए मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर एंड 1 पिंच बेकिंग सोडा. नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे अराउंड आधा कटोरी कर्ड. और 2 चम्मच वार्म मिल्क. अगर आपके पास ईस्ट अवेलेबल है तो आप वार्म मिल्क में ईस्ट ऐड करके भी इसमें मिक्स कर सकते हो. गाइस, डो को हमें वैसे ही सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनाना है जैसे हमने गार्लिक ब्रेड में बनाया था. अगर आपने हमारा गार्लिक ब्रेड का वीडियो नहीं देखा है तो उसे मैं ऊपर कार्ड में अटैच कर दूंगी, आप वहां जाकर के हमारा वो रेसिपी देख सकते हो. हमारा डो बन के रेडी है. इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और अब इसे मैं कवर करके एटलीस्ट 2 घंटे तक साइड रख दूंगी. आप देख सकते हो कि हमारा डो साइज में थोड़ा सा बढ़ गया है और ये अभी भी काफी सॉफ्ट है. चलिए तो अब हम अपने पीटा ब्रेड्स को रोल कर लेते हैं. इसे हम थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, एक राउंड पराठे के शेप में. और रोल करने के बाद इसे हम कवर करके आधे घंटे के लिए दोबारा से साइड रखते हैं
और आधे घंटे के बाद इन्हें सेकना शुरू करेंगे। आधे घंटे हो गए हैं और मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसके ऊपर अपने पीटा ब्रेड को डाला है। गर्म तवे पर डालते ही पीटा ब्रेड हमारी थोड़ा सा फूलना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो कि हमारी ब्रेड कितने अच्छे से फूल के फ्लफी हो रही है। इसे हम गरम तवे पे ही अच्छे से दोनों साइड सेक लेंगे। हमारी पीटा ब्रेड भी बनके रेडी है। चलिए अब इसे प्लेट कर लेते हैं। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और हमें ट्राई करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।